यात्रा कठुआ के हीरानगर से शुरू हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी से कुछ रास्ता पैदल चलने के बजाय कार से यात्रा करने को कहा व इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। जब से राहुल गांधी जम्मू में दाखिल हुए हैं, आज की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें राहुल गांधी पैदल चलते नजर आ रहे हैं। कल ही जम्मू के नरवाल इलाके में दो धमाकों से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 88 साल के एक बुजुर्ग से बात की है हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने। आप सब बताएं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा, कोई डर तो नहीं है यहाँ? ब्लास्ट हुए? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है कि यहाँ ब्लास्ट हुए थे? सब कुछ होते हुए ये हिंदुस्तान है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? मैं 88 इयर्स का हूँ। 88 और तब भी आप चलते हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश में सीजी जिले का जी ग्राम मरवा का हूँ। विधानसभा चुनाव है, मैं गांधी जी के साथ चला, मैं गांधी जी के साथ चला जी 40-44 में, 44-45 में जी। उसके बाद नेहरू जी के साथ चला। तो आप कहते हैं आप गांधी जी के साथ भी चले, नेहरू जी के साथ भी चले और राहुल गांधी के साथ? इंदिरा जी के साथ चला। तो आप राहुल गांधी के साथ? राजीव जी के साथ चला और अब मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। कहाँ से आपने शुरू किया ये यात्रा? मैंने 2 अक्टूबर से शुरू किया, मध्य प्रदेश से जी जिले से। तो कौन सी चीज आपको आगे चलाती है जब इतनी कठिनाई हो रही इस उम्र में भी? कोई कठिनाई नहीं है, जिस राष्ट्र के प्रमुख पदों में रह करके, प्राइम मिनिस्टर पद में रह करके जिस शहीद हुए हमारी कुर्बानी के, हमारे भारतीय सेवा के लिए, हमारे भारतवासियों की सेवा के लिए, ऐसे परिवार से अगर कोई नवयुवक राष्ट्र की सेवा के लिए और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा रहा तो मेरी